अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप तमाम भाइयों और बहनों को सेहत दे, हमारी तो यही दुआ है। सबसे पहले मेरी उन हजरात से गुजारिश है जो शरीफ लोग हैं वो इस वीडियो से दूर रहें, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं आपको नाजायज़ मोहब्बत का, सिंपली ब्लैक मैजिक, काले जादू का ऐसा अमल बताऊँगा जिससे आप किसी भी लड़की या लड़के को अपने कंट्रोल में करके उसके साथ जो चाहें कर सकते हैं। जब तक वो आपसे हम बिस्तरी नहीं करेगा या करेगी, तब तक उसे एक मिनट भी सुकून नहीं आएगा, मजबूर हो जाएगी आपसे हम बिस्तरी करने के लिए। जिस किसी भी की आप नाजायज़ मोहब्बत को हासिल करना चाहते हैं, नाजायज़ तरीके से उसे हासिल करना चाहते हैं, तो ये एक ऐसा ख़तरनाक अमल है, ऐसा मंत्र है, जब इसको करेंगे तो आपका जो रिज़ल्ट आपको नज़र आएगा वो 100 में से 101% इसका आपको रिज़ल्ट नज़र आएगा। और जब चाहें आप इसको कर सकते हैं। मुकम्मल तफसील इस वीडियो में बताता हूँ। गैर मुस्लिम तो इस अमल को कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई मुस्लिम करेगा तो वो अपने अमाल का, दिनों मज़हब का ज़िम्मेदार खुद होगा। मेरा काम है अमल बताना, क्योंकि काफ़ी मेरे ऐसे भाई हैं जो गैर मुस्लिम भी हैं और उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स और मैसेज किए थे, सर हमारे लिए कोई नाजायज़ मोहब्बत का अमल बता दें जिससे हम किसी भी लड़की का वशीकरण कर सकें, उसको अपने बिस्तर पर ला सकें। तो ख़ास तौर पर स्पेशल ये अमल उनके लिए है, बाकी जो भी करेगा वो अपने अमल का ज़िम्मेदार खुद होगा। तो आपने करना क्या है कि जिस किसी के लिए इस अमल को करना चाहते हैं उसकी एक अदद आपने तस्वीर हासिल कर लेनी है। तस्वीर मोबाइल में नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसकी आपने फ़ोटो बनवा लेनी है। फ़ोटो बनवाने के बाद जो मंत्र मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा, उस मंत्र को आपने उस तस्वीर के ऊपर फूंक मार देना है। और ये आपने 119 मरतबा मंत्र पढ़ना है, पढ़कर तस्वीर पर फूंक मारना है। और सोमवार का जो दिन होगा, गुजार के जो रात शुरू होगी, 12 बजे रात को आपने तस्वीर को अपने सामने रख कर तन्हाई में, बंद कमरे में, अंधेरे में बैठकर इस अमल को करना है। और अपने पास आपने एक अदद मोमबत्ती और एक अदद अगरबत्ती आपने लाजमी जला लेनी है। आपका जो रुख है, जो मुंह है आपका, वो शुमाल की जानिब होना चाहिए। बैठकर आपने इस अमल को करना है। अगर कोई लड़का किसी लड़की के लिए ये अमल कर रहा है तो उसने इस मंत्र को इस तरीके से पढ़ना है तस्वीर के ऊपर। तश तश मोहब्बती हो जा मेरी, तश तश मोहब्बती हो जा मेरी। अगर कोई लड़की किसी लड़के के लिए अमल कर रही है तो उसने इस तरीके से मंत्र को पढ़ना है। तश तश मोहब्बती हो जा मेरा, तश तश मोहब्बती हो जा मेरा। इस तरीके से आपने इस मंत्र को पढ़ना है और पढ़कर तस्वीर के ऊपर फूंक मार देनी है। और तस्वीर पर फूंक मारने के बाद आप उस तस्वीर को जला देना है। कोई भी बर्तन आप ले लें, जलाने के बाद आपने उस बर्तन में उसकी राख को इकट्ठा कर लेना है। और तस्वीर अच्छे तरीके से जब जल जाए तो आपने किसी ऐसी जगह पर चले जाना है जहां बहुत ज़्यादा हवा हो, यानी कि हवा चल रही हो, और जो तस्वीर की राख होगी उस राख को आपने अपने हाथ में लेकर हवा में उड़ा देना है, हवा में बिखेर देना। बस 24 घंटे के अंदर अंदर जिसके लिए आप इस अमल को करेंगे, जिसकी तस्वीर पर, तो वो 24 घंटे में खुद ढूंढती हुई पागलों की तरह आपके पास आ जाएगी। और जब तक आपसे हम बिस्तरी नहीं करेगी, आपसे अपनी ख्वाहिश को पूरा नहीं करेगी, और उसके अंदर जो लगी हुई आग होगी वो एक पल के लिए भी ठंडी नहीं होगी, और हर कीमत पर, हर सूरत में वो आपसे हम बिस्तरी करके ही दम लेगी। और इस अमल की ज़कात भी आपने लाजमी अदा करनी। ज़कात ये है, बकरे का 3 पाव गोश्त लेकर आपने उसके ऊपर जो मंत्र आपको बताया है उस मंत्र को आपने सिर्फ 2700 मरतबा पढ़ना है। पढ़ के आपने किसी भी कब्रिस्तान में, आपने वहां पर जाकर कब्रिस्तान में किसी भी दरख्त के ऊपर उसको लटका देना है। और गोश्त के आपने बोटियां बनवा लेनी है, यानी कि ज़्यादा बड़ा गोश्त नहीं होना चाहिए। जिस तरह हम घर में सालन बनाने के लिए गोश्त की बोटियाँ बनवाते हैं, उसी तरीके से उस गोश्त की बोटियां बनवाकर आपने इस मंत्र को पढ़कर आपने कब्रिस्तान के ऊपर किसी भी दरख्त पर लटकाकर वापस आ जाना। पीछे मुड़कर हर किसी नहीं देखना, चाहे आपको किसी भी तरह की कोई भी आवाज़ आती है। काले इलम की दुनिया का ये एक ऐसा पावरफुल और ज़ालम तरीन मंत्र है, जब इसको करेंगे तो इसका रिज़ल्ट जो आपको मिलेगा
आप हैरान रह जाएंगे कि इसमें कितनी ताकत है, कितनी तासीर है और कितनी जल्दी ये असर करता है और इसका नज़ारा क्या होगा आप कभी ये सोच भी नहीं सकते है। और ये ऐसा 100% काम करने वाला आपको मंत्र बताया है। अगर इस अमल में आपको कामयाबी ना मिले, काम ना हो, तो इस चैनल पर थूक कर चले जाना। हम ऐसे ही नहीं बैठे आपको सिर्फ अमल बताने के लिए, बल्कि जो भी अमल आपको बताए जाते हैं पहले आजमाए जाते हैं, उसके बाद ही आपको ये बताए जाते हैं ताकि आपका कीमती वक्त ज़ाया ना हो। हमारे शागिर्दों के कई मरतबा के ये आजमूदा अमल है, सदियों पुरानी, सालों पुरानी किताबों में से लिया गया और आजमाया गया ये अमल आपको बताया जा रहा है। जब आप इसको करेंगे तो अपनी आंखों से खुद नज़ारा देखेंगे, खुद आप इस अमल की तारीफ़ करेंगे और हमें भी दुआएं देंगे। और जिस अमल की आपको इजाज़त बताई जाती है उसकी इजाज़त लाजमी लिया करें, वरना अमल करने में कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा, कामयाबी नहीं मिलेगी। और इस अमल की भी आपने इजाज़त लाजमी तलब करनी है। इजाज़त के लिए आपने, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो इस वीडियो के नीचे आपने कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख दिया करें, इजाज़त के लिए आपको इजाज़त मिल जाया करेगी अगर आपके पास टाइम ना हो। और जो मेरे भाई मेरी बहनें पढ़े लिखे नहीं हैं वो कमेंट मैसेज नहीं कर सकती, तो वो वॉइस मैसेज व्हाट्सएप पर कर दिया करें। अगर आपके पास टाइम ना हो या आप अमल खुद ना कर सकते हो या आप हमसे अपना किसी भी तरह का जायज़ नाजायज़ काम करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर 0307-093-1898 इस नंबर पर रब्ता करके अपना कोई भी जायज़ नाजायज़ काम हमसे 100% गारंटी और राजदारी के साथ करवा सकते हैं। आज के लिए ज़्यादा चाहते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छे अमल के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।